हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। अब देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो वैरायटी होती हैं। नंबर वन, जब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हमें गिवन होती है। नंबर टू, जब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हमें गिवन नहीं होती है, ठीक है। तो दो टाइप है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज़ नॉट गिवन, ठीक है। आज जो है मैं आपको कैपिटल ऑफ पार्टनर अगर दी होती है तो कैसे हमें इसे डील करना है वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर अगर नहीं दी हो तो हमें कैसे करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर जब भी गिवन हो, ठीक है, आपके पास तीन सिंपल स्टेप्स हैं वो करने, और करते ही आपके पास हमारा एडजस्टमेंट कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप होता है इसमें कि आपको जो न्यू रेशो है वो पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कई बार क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है तो भगवान का प्रसाद है, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि पहले से दिया है। नहीं दिया बाई चांस तो पहले हम ये निकाल लेंगे। फिर स्टेप टू क्या करना है, स्टेप टू फिर हम कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म जो हम निकालते हैं वो नए पार्टनर के बेस पर निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नया पार्टनर सी है, तो सी की कैपिटल का यूज़ करते हुए और जो उसका शेयर होगा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। तो जैसे ही हम सी की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल ऑफ द फर्म। और इस कैपिटल ऑफ द फर्म को हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। यानी डिवाइड कैपिटल ऑफ द फर्म, ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमने निकाली है, डिवाइड कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। बस ये सिंपल से तीन स्टेप करने हैं और ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, इन स्टेप्स को। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, देखिए पहले हम इसको नॉर्मली जैसे हम रिवर्सिंग अकाउंट बनाते हैं, जितना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं वो बना लेने, उसके बाद फिर हम इसको शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिएगा कि हाँ जी सही में ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए लास्ट में अगर इस सवाल को देखेंगे, लास्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर ई है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो इसमें लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑन सीज कैपिटल, सी के कैपिटल के बेस पर। और देखो सी की कैपिटल में देखो दी हुई है कि ही ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल। यानी कि जब कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर गिवन होती है तो नए पार्टनर के बेसिस पर जो ए और बी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, कि सी की कैपिटल के बेस पर जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को रीएडजस्ट करें। कि अगर नया पार्टनर मान लो 50,000 कैपिटल आए तो उसके हिसाब से ए और बी को कितना कितना पैसा लाना चाहिए, बस वही सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए ए और बी इसमें पार्टनर्स दे रखे हैं, इनका रेशो 3:2 है। बैलेंस शीट में देखिए तो देखिए क्रेडिटर्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड कैपिटल दिया हुआ है। असेट साइड में गुडविल है, असेट साइड में जो गुडविल होती है ये हमारे ध्यान रखिएगा परचेस्ड गुडविल होती है, ठीक है। और नीचे देखिए एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर डी में गुडविल दे रखी है, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ठीक है। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ जी हमें परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको मैं इसकी अलग सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा कि हाँ जी दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दे रखी है वो हमारी परचेज गुडविल, और जो एडजस्टमेंट में दी जाती है वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एडजस्टमेंट में जो ये गुडविल दी जाती है इसकी मदद से हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ जी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी होगी। तो देखिए 75,000 की हमारी ये गुडविल है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो इनका नए पार्टनर का देखो हिस्सा दे रखा है 2/10, ठीक है, तो 2/10 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आएगा वो कितनी लेके आएगा,
तो 15,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू 25,000, प्लांट रिड्यूस टू 55,000। तो ये हमारे रिवल्यूशन अकाउंट के पॉइंट है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं रिवल्यूशन अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले तो देखो, हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा भाई रिवल्यूशन अकाउंट का। तो जल्दी से हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लीजिए, ये हमारा हो गया फॉर्मेट ड्रॉ रिवल्यूशन अकाउंट का, ठीक है। हाँ जी, तो डेबिट साइड में ये हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट ये लिखेंगे। और जो हमारी पहली एडजस्टमेंट दे रखी थी उसको देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में लिखा था इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू 25,000 कि इन्वेस्टमेंट हमारी 25,000 हो गई। तो देखिए, पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20,000, अब कितनी हो गई 25,000। तो ये हमारा 5,000 का प्रॉफिट है। तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवल्यूशन अकाउंट के बारे में पता होगा कि भाई कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार मैं फिर भी बता दूँ, रिवल्यूशन अकाउंट ये क्या है। ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सर होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यानी अगर हमें कोई प्रॉफिट होगा रिवल्यूशन अकाउंट में तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई लॉस होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर से अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में भाई रिवल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या इसका नियम कायदा है, तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं रिवल्यूशन अकाउंट के बारे में कि हाँ जी, कि हम इसे डिटेल में जानना चाहते हैं। या फिर अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ जी, ये वीडियो हमें और चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आगे लिखा है प्लांट रिड्यूस्ड टू 55,000 कि भाई प्लांट जो है 55,000 तक हो गया। देखो, प्लांट पहले कितना था? प्लांट पहले था 60,000, अब हो गया 55,000। तो इसका मतलब ये हमें लॉस हो गया, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्लांट। कितना लॉस हो गया? देखो, 60,000 से प्लांट हो गया 55, यानी 5,000 से वैल्यू कम हो गई, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 5,000। आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखा है वन कस्टमर हु ओड 4,000 बिकम इंसॉल्वेंट, यानी हमारा एक कस्टमर था वो इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, अब उससे कोई पैसा रिकवर नहीं होगा, यानी हमारे बैड डेप्ट हो गए। तो हमें ये बैड डेप्ट का पॉइंट दे रखा है। तो 4,000 अगर हमारे पैसे डूब गए तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेप्ट 4,000 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद देखो, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। अब यहाँ पे क्या देखो, हमारे पास पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 दे रखा था, उसमें से सिर्फ 5,000 तक का ही क्लेम बना, यानी अभी भी हमारे पास 5,000 रुपये बच गए हैं। ये जो 5,000 रुपये जो बच गए, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड्रेसों में, और 5,000 तक का क्लेम बन गया है। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 5,000 का क्लेम बैलेंस शीट में आ जाएगा। और अब हम देखते हैं रिवल्यूशन अकाउंट। देखिए, रिवल्यूशन अकाउंट का टोटल देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल है 9,000, ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट है। तो बाकी डिफरेंस आ गया 4,000, ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ ए एन बी, और इसको हम इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशो इनका देखो, हमें 3:2 दिया हुआ है, 3:2 में अगर डिवाइड करते हैं इसको 4,000 को, तो अमाउंट कितना कितना आएगा? 2,400 रुपये और 1,600 रुपये। तो अब हम इसके बाद बना सकते हैं इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। तो फॉर्मेट में तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो ये तीन कॉलम बन जाएंगे डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे भाई पर्टिकुलर्स, फिर ए बी और सी, ऐसे क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स ए बी और सी। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें कैपिटल में दिया जाता है। तो देखो, ए और बी का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है? तो दी ए और बी का बैलेंस कैपिटल का हमें दे रखा है 60,000 और 55,000, ठीक है, 60,000 और 50,000। तो ए की कैपिटल 60,000, बी की कैपिटल 50,000। हाँ जी, इसके बाद हम नए पार्टनर के लिए देखते हैं कि भाई नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया है। तो बाय बैंक अकाउंट उसकी कैपिटल का अमाउंट। तो देखिए, कैपिटल का अमाउंट नए पार्टनर का लिखा है सी वॉज एडमिटेड 50,000 एज इज कैपिटल,
कि भाई 50,000 रुपये की कैपिटल लेके आया है, ठीक है। अच्छा, और सी जो है प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा है। देखो हमने निकाला था पॉइंट नंबर डी में जो गुडविल दे रखी थी, तो ये हमने निकाला था प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। तो सी जो है 15,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा है, जो कि ए और बी में इनके ओल्ड सैक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। सैक्रीफाइस रेशो देखो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। देखिए सवाल में अगर देखें तो हमें देखो ओल्ड रेशो भी दे रखा है, न्यू रेशो भी दे रखा है। तो देखिए सैक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देते, ये आ जाता है सैक्रीफाइस। अब देखिए ए और बी का जो ओल्ड रेशो है 3:2 दिया हुआ है, और इनका जो न्यू रेशो दे रखा है वो कितना है, 5:3:2 ये दिया हुआ है, ठीक है। 5:3:2 ए बी और सी का रेशो। तो अब क्या करेंगे भाई, इनका सैक्रीफाइस निकालना है। तो भाई पहले ए का सैक्रीफाइस देख लेते हैं। भाई ए का सैक्रीफाइस, तो ए का ओल्ड रेशो जो है 3:5 है और न्यू रेशो जो है 5:10 है, ठीक है। ऐसे ही बी का भी सैक्रीफाइस देख लेते हैं। बी का ओल्ड रेशो देखो 2:5 है और न्यू रेशो उसका 3:10 है, ठीक है। एलसीएम ले लेते, देखो 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 2 × 3 = 6। इधर 10 डिवाइड बाय 10 1, 1 × 5 = 5, तो ये आ गया 1/10। ऐसे बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ये 4 - 3 यानी 1/10। तो इसका मतलब इनका जो सेक्रीफाइस रेशो जो है वो आ जाएगा 1:1। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमें यहाँ पर डिवाइड करनी है वो 1:1 में कर देंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है इनकी, 15,000। तो 15,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो 7500 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और तो जी, इसके अलावा जो है देखो गुडविल दे रखी थी एसेट साइड में, परचेज गुडविल है, इसे राइट ऑफ करना होता है, तो ये डेबिट साइड में जाएगा टू गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अच्छा, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाता है गुडविल को, और इनकी ओल्ड रेशो है 3:2। तो गुडविल देखिए 10,000 रुपये की है, 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 और 4,000, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था देखो 10,000, उसमें से लाइबिलिटी कितनी बनी 5,000। तो 5,000 रुपये का अमाउंट बचा हुआ है ना, ये जो 5,000 का अमाउंट जो बचा हुआ है बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000, वही ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे ए और बी के बीच में। तो 3,000 रुपये ए में आ जाएगा और 2,000 रुपये बी में आ जाएगा, ये हमने डिवाइड कर दिया किसको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को। अच्छा, इसके अलावा देखो हमने रिवल्यूशन अकाउंट भी देखो बनाया था, तो इसका ये लॉस आया था 4,000 रुपये, और ये लॉस भी जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये लॉस आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिवल्यूशन अकाउंट। तो ये लॉस का अमाउंट है 2,400 रुपये और 1,600 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं, अब कुछ बचा नहीं हमारे पास। तो अब हम जो है अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो स्टेप है उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने पहले भी यहाँ पे देखो बनाया था कि भाई सबसे पहला स्टेप क्या करना है, न्यू रेशो निकालेंगे, फिर कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, फिर डिवाइड कैपिटल ऑफ द फर्म अमंग पार्टनर्स इन न्यू रेशो, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इस स्टेप्स को देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छी बात यह कि देखो इस सवाल में न्यू रेशो में ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था 5:3:2, ठीक है, दिया हुआ है। तो देखो अब निकालने की जरूरत तो नहीं है, अच्छी बात है दिया हुआ है। हाँ, अगर नहीं दिया होता तो पहला काम हमारा यही होता कि भाई हम न्यू रेशो पहले निकालते हैं। अच्छा, स्टेप टू में क्या था, कैपिटल ऑफ द फर्म, कि फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, फर्म की कैपिटल जो फाइंड आउट करते हैं वो नए पार्टनर के बेसिस पर, यानी सी की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। अब देखो सी की कैपिटल हमें कितनी दी हुई है, तो देखो सी की कैपिटल हमें 50,000 रुपये दी हुई है, तो सी की कैपिटल लिखेंगे 50,000। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, तो देखो सी का शेयर जो है यहाँ पर ए बी सी ये नाम दिए हुए, तो सी का जो शेयर है यहाँ पर देखो 2/10 है, तो 2/10 का जो है रेसिप्रोकल अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2। अच्छा, 50,000 का 10/2 करेंगे तो भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपये। तो ये आ गया आपका कैपिटल ऑफ द फर्म।
और इस कैपिटल ऑफ द फर्म को हमें क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना किन के बीच में, ए बी और सी के बीच में, वो ए बी और सी की कैपिटल आ जाएगी। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इनके न्यू रेशो में, इसलिए स्टेप वन में मैंने न्यू रेशो लिखा था, ठीक है। तो ए की कैपिटल अब न्यू पार्टनरशिप फर्म में ये होगी हमारी 250,000 इंटू 5/10, बी की कैपिटल 250,000 का 3/10, सी के लिए वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती करने की क्योंकि सी के बेस पे ही सारा ये काम हुआ है, लेकिन चलो मैं फिर भी अगर कर देता हूँ 2/10 तो कितना आएगा, तो ए के लिए आएगा 1,25,000, बी के लिए आएगा 75,000 और सी के लिए आएगा 50,000। देखो सी की कैपिटल वैसे भी हमें पता थी 50,000, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो कैपिटल जो आती है 1,25,000, 75,000, 50,000, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कि भाई सी की कैपिटल 50,000 है, तो सी के बेस के बेस मानते हुए हम टोटल कैपिटल निकालते हैं और उस हिसाब से ए बी सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए उनके न्यू रेशो के हिसाब से। तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 1,25,000, बी की कैपिटल होनी चाहिए 75,000 और सी की कैपिटल होनी चाहिए 50,000, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अगर क्वेश्चन में भी अगर देखेंगे तो देखो ऐसी कुछ वर्डिंग यूज़ की गई है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर सेल बी इन प्रोपोर्शन, कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शन में ऑन सीज कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल के को बेस मानते हुए। और यही काम देखो हमने यहाँ पर किया है सारा कुछ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे एडजस्टमेंट कैपिटल करनी है। अच्छा, अब इसके बाद अपने कैपिटल अकाउंट पे वापस आते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा बैलेंस जो निकल के आया यहाँ पे हम लिखेंगे इसको टू बैलेंस कैरी डाउन, ये जो हमने प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला जो पार्ट किया है, ठीक है। तो ए का बैलेंस 1,25,000, बी का बैलेंस 75,000 और सी का बैलेंस 50,000, ये हम लिख देंगे 1,25,000, 75,000 और 50,000, ठीक है। अब आपके देखो मन में आ रहा होगा कोई जरूरी थोड़ी ना बैलेंस कैरी डाउन इतना ही आएगा, बैलेंस कैरी डाउन तो इससे डिफरेंट हो सकता है। मैं भी आपके साथ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई बैलेंस। लेकिन हाँ, ये जो हमने बैलेंस निकाला अभी यहाँ पे वर्किंग नोट बना करके, ये तो देखो प्रोपोर्शनल कैपिटल हमने निकाल लिया कि भाई वो बैलेंस इतना होना चाहिए था सी के बेस के हिसाब से, लेकिन टोटलिंग हमारी डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो जरा क्या डिफरेंस आ रहा है, जरा देखें इसको, आगे वर्कआउट करते हैं इसको भी, ठीक है। तो पहले ए पे ध्यान लगाते हैं। देखिए ए का जो टोटल है डेबिट साइड वाला देखो कितना है, 6,2400 और 1,25,000, इसका टोटल करेंगे तो आता है 1,33,400। ऐसी ए का क्रेडिट साइड का टोटल देखो, तो ए के क्रेडिट साइड का टोटल जो है 60,7500 और 3,000, तो 70,500, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, जो टोटल बड़ा है वो दोनों साइड लिख देंगे, यानी 1,33,400 दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे भाई, क्रेडिट में तो वैसे वो 70,500 है, तो माइनस करके देख लो भाई, 133,400 में से अगर हम 70,500 माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, तो जी आएगा 62,900। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, कि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है। अगर ये डेबिट में आ जाता मतलब वो विड्रॉ कर लेता, कुछ भी बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है। बी के लिए देखते हैं, देखो बी का टोटल किस तरफ का ज़्यादा है, तो बी का पहले डेबिट का टोटल करके देखें, 4,000 और ये 80,600 आ रहा है। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल करके देखें, 59,500 आ रहा है। तो भाई वही डेबिट वाला टोटल ज़्यादा आ रहा है 80,600, तो ये दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। अब 80,600 में से ये 59,500 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो जी ये आ जाएगा 21,100, ये भी आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। इसके लिए भी वही बाय बैंक जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा, मतलब ए जो है 62,900 ला रहा है और बी जो है वो 21,100 रुपीज़ लेके आ रहा है। इसके बाद आप बना सकते हैं हम बैलेंस शीट, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं बैलेंस शीट दोनों साइड की इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक है, अगर इक्वल आती तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। सी का अमाउंट ये 50,000 लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट।
तो सबसे पहला काम तो भाई देखो बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमारा, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, फिर ये असेट्स और अगेन इसका भी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं लाइबिलिटी साइड से बैलेंस शीट को बनाना शुरू करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले देखिए क्रेडिटर दिया हुआ था 40,000, बस देखना आपको भाई इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको प्लस माइनस कर देंगे, नहीं तो जो वैल्यू उतनी हम लिख देंगे जैसा आप जानते भी हैं। तो चलिए क्रेडिटर्स के बारे में, वैसे तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो क्रेडिटर्स को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 40,000 था 40,000 लिख देते हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो हाँ जी इसकी लाइबिलिटी एडजस्टमेंट दे रखी थी, क्लेम लिखा हुआ था तो वो क्लेम कितना था 5,000, तो भाई 5,000 रुपये का क्लेम अब हमारी लाइबिलिटी में आ जाएगा। और हाँ, अगर कोई जानना चाहता है भाई ये क्लेम ऐसा कैसे हो रहा है ये सारा कुछ थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बिल्कुल एक सेपरेट बहुत बढ़िया वीडियो बना के दूंगा, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा, तो इसके लिए आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर हाँ कोई भी, अगर आप और किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बाद अभी कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे और अब जो कैपिटल है वो ए बी और सी तीनों की आएगी। अच्छा, कितनी आएंगी, तो देखिए जो हमने बैलेंस निकाला था 125, 75 और 50,000, 125,000, 75,000 और 50,000, ये टोटल हो जाएगा 2,50,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब असेट साइड को देखते हैं, असेट साइड की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले गुडविल, गुडविल तो ऑलरेडी देखो राइट ऑफ हो चुकी है, अब तो बैलेंस शीट में आएगी नहीं। हाँ जी, प्लांट के बारे में देखते हैं, प्लांट के बारे में एडजस्टमेंट दी हुई थी, प्लांट रिड्यूस्ड टू 55,000, तो प्लांट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 55,000। ठीक है, अच्छा प्लांट के बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी देखिए एडजस्टमेंट में देखा था 25,000 का हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ लिख देंगे 25,000। तो बस देख लेना भाई किसकी वैल्यू चेंज हुई है, जो वैल्यू चेंज हुई है वो वैल्यू हम लिख देंगे, बढ़ गई घट गई, ठीक है, बढ़ गई कितनी हो गई या घट गई कितनी हो गई, बस वो वैल्यू लिख देनी है। इन्वेस्टमेंट का था डेटर, डेटर के बारे में देखो बैड डेट दिया हुआ था हमें 4,000 का, तो बैड डेट माइनस कर देंगे, तो डेटर हमारे पास है 30,000 और इसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट, ठीक है 4,000, तो 30,000 माइनस 4,000 ये हमारे पास ये हो जाएगा 26,000। अच्छा अब इसके बाद बैलेंस शीट में देखते हैं और क्या डेटर्स के बाद, तो डेटर्स के बाद है स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज आया नहीं तो स्टॉक एज इट इज़ 20,000 लिख देंगे। ठीक है, तो स्टॉक 20,000। स्टॉक के बाद लास्ट हमारे पास कैश बैलेंस बता रखा है सवाल में, तो भाई कैश बैलेंस देखो हमारे पास वैसे 20,000 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हाँ कैश में क्या चेंजेस आ रहे हैं भाई, नया पार्टनर भी कैपिटल लेके आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अभी जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, तो देखिए बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर भी देखो बाय बैंक हमने लिखा था, यानी जो एयर भी है ये भी कुछ कैपिटल लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा ये हमारा कैश बैलेंस में इतना अमाउंट ऐड हो जाएगा, कैश या बैंक कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश या बैंक। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर अब हमारे पास, तो देखिए पहले से हमारे पास कितना पैसा था, पहले तो पहले हमारे पास कैश या बैंक में पैसे थे 20,000, अब कितना, अब देखो नया पार्टनर भी कैपिटल लेके आया वो ऐड करेंगे, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाए थे एयर बी का जो बैलेंस निकल के आ रहा है ये वाला 62,921,100, ये भी तो ब्रॉट इन कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट में बैलेंस आने का मतलब पैसा लाया जा रहा है वो प्लस हो जाएगा, अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा होता तो यानी वो विड्रॉ करे वो माइनस हो जाता। चलिए तो ये हम सब वैल्यू प्लस कर देते हैं, ए की कैपिटल अगेन, फिर बी की कैपिटल, तो सबसे पहले सी की कैपिटल, तो सी की कैपिटल कितनी थी भाई, सी की कैपिटल थी 50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था जी, प्रीमियम फॉर गुडविल था ये 15,000, ये हमने देखो निकाला था, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड कर देंगे 15,000। ए और बी की कैपिटल, तो भाई ए और बी की कैपिटल ये हमने निकाला था यहाँ पर, तो ए का बैलेंस निकल के आया था हमारे पास 62,900, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 62,900। फिर इसके बाद देखेंगे बी के लिए, बी का अमाउंट कितना था, हाँ जी बी का अमाउंट 21,100,
तो यहाँ पे लिख देंगे 21,100 और इन सबको कर देंगे ऐड कि भाई अब कितना हो गया टोटल मिला के ये। तो 20,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 62,900 और 21,100, तो ये हो गया टोटल 1,69,000, यानी ये हमारा बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल अगर हमारा इक्वल आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं जी, तो लायबिलिटी साइड में 40,005 to 2,95,000 हो रहा है। असेट साइड में भी सेम यही वैल्यू आनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 55,000 प्लस 25,000 प्लस 26,000 20,000 प्लस 1,69,000 2,95,000, बिल्कुल सेम इक्वल वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करिएगा। और हाँ, इसमें जो सेकंड टाइप है, जब कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर मिसिंग हो, वो कैसे करना है, तो उसके लिए इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।